उन्होंने ऊपर अपनी खिड़की के बाहर रोशनी के किरण में झूलते देखा। बाद के पूरे 23 विटनेस थे। मुझे लगा कोई फिल्म बन रही है, स्पेशल इफेक्ट्स होंगे। पता नहीं वो उसे जनता से क्यों छुपा रहे हैं, पर हम अकेले नहीं हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा अपहरण का मामला बनने वाला था। पर क्या इसका कोई सबूत था कि ये चीज सचमुच हुई थी? मैं एलियन अपहरण की घटना पर फिल्म बनाने के लिए मैनहट्टन आई अपने पति बर्ड हॉपकिंस के साथ। एक असाधारण परिस्थिति की मौजूदगी को चाहिए एक असाधारण इन्वेस्टिगेशन। बर्ड का मानना था कि वो बहुत विश्वसनीय थी और दर्शक उन्हें पसंद करते थे। लोग जब ये सुनते हैं तो आपको पागल कहते हैं। एक बात बताऊं जे, काश मैं पागल होती, कम से कम उसका इलाज तो है। लिंडा तो सच ही बोल रही है, सीधी सी बात है। मुझे लगा कि वो बर्ड की आंखों पर पर्दा डाल रही थी। वो मेरे बारे में इतनी बातें कैसे कह सकती है, जबकि मेरे परिवार ने कितना कुछ झेला है। चाहते क्या हो तुम मुझसे? एक, हम ये खत्म करने वाले हैं। दो, अब हम वापस आ रहे हैं, तुम नहीं मरो। देखो कैरल रेनी, कोई बहुत पागल ही होगा या बहुत बड़ा जीनियस। मुझे सब कुछ काफी परफेक्ट सा लगने लगा था। कुछ समय बाद मैं बेहद परेशान रहने लगी, वो भी सिर्फ एलियंस को लेकर नहीं। दिमाग घुमाने वाली बात है। आखिर लिंडा कैसे बन सकती है इतने बड़े इस छल को? अगर वो वाकई छल है तो हमें कैसे पता असलियत क्या है? देखो, इस बात पर यकीन करना आसान तो नहीं है, पर ये सच है। अगर आप चाहें तो ये आप तक पहुंच जाएंगे। तब तक सवाल पूछती रहूंगी जब तक सच का पता ना चले लिंडा, और मैं पूछना बंद नहीं कर सकती। शौक से पूछो।